तो तुम क्यों चले गए पानी में? तुम किसको जाना था? तुमको नहीं जाना गाइस, आज ये जाएगा पानी में गाइस। भाई साहब, बाइक को, गाड़ी को, बस को हमने क्या क्या पानी में नहीं डाला, और आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि अब बारी है गाइस एक ट्रक को पानी में डालने की, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो गाइस क्रेजी आर्मी कहे और हम ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या गाइस? गाइस इतना बड़ा ट्रक हम पानी में डालने जा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इस वीडियो में हमें लाखों का नुकसान होने ही वाला है। तो आप सब लोग अब इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दो गाइस। अगर आप लाइक कर दोगे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। अगर वो मिलता है आपके लाइक के रूप में और चैनल को सब्सक्राइब करने के रूप में, तो गाइस हमारी मेहनत वसूल हो जाती है गाइस। बाकी हम तो क्रेजी चीज करते रहते हैं, बड़ा मजे शुरू करते हैं। तो गाइस बिना देरी किए फटाफट से ट्रक को स्टार्ट करते हैं, उधर लेके चलते हैं, फिर आपको पूल दिखाऊंगा। पहले ट्रक को स्टार्ट करते हैं, ट्रक लेके आ रहा हूं मैं। A few moments later. गाइस हमारा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई, कि जो बैटरी है उसके तार हिल गए लगते हैं। गाइस उधर लेके चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा है ये, जहां ट्रैक्टर चलता है वहां पे घुमा रहा हूं अब इसको। रोकूंगा नहीं, रोका तो फंस जाएगा। गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये जो ट्रक है ये पानी में जाकर के सरवाइव कर पाएगा, यानी कि बच पाएगा जिंदा? क्या लगता है आपको गाइस, नीचे कमेंट से अभी के अभी बताओ। गाइस सेफ्टी के लिए सेफ्टी जैकेट भी मैंने रख ली है, ट्रक को उतार दे पानी के अंदर, लेकिन ये टाइट नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता है बच पाएगा। भाई बोल रहे हैं कि हमको डर लग रहा है, भाई डर तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं बैठा हूँ ट्रक में और मेरे साथ मोहित बैठा हुआ है ट्रक में। चलो गाइस हो रही है भाई, भाई वो घड़ी आ चुकी है जब ट्रक जाएगा पानी में। ओ यार आज हमारे ट्रक का लास्ट दिन है और वो ट्रक आ गया गाइस, देखो चलो बोलो जय श्री राम। भाई ट्रक ट्रक जो है वो पानी के अंदर ही फंस चुका है भाई। Hey y'all, come look at this. तो गाइस हमने एक ट्रक अंदर डाला था और अब दो हो गए हैं। देखो वो बड़ा वाला भाई है उसका, ये छोटा भाई है। भाई साहब हमारा ट्रक फंस गया है और यहाँ पर गाइस ट्रक खड़ा हुआ है, अंधेरा हो चुका है और हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं इस कोशिश में कि ट्रक को पानी में डाल दें, लेकिन ट्रक बंद हो गया। अब बंद ट्रक को डालेंगे तो मजा नहीं आएगा गाइस, इसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ट्रक स्टार्ट होगा इसको डालेंगे, भले रात हो गई तो हो गई गाइस, हमारे साथ तो होता ही रहता है। भाई हमको फाइनली जेसीबी लानी पड़ी है यहाँ पे ताकि इसको धक्का दे सके। ट्रक स्टार्ट रहेगा लेकिन वो फंस गया, तो एक बार धक्का दे थोड़ा आगे आ जाएगा। गाइस फाइनली ट्रक स्टार्ट हो चुका है, आने दो ट्रक स्टार्ट है अभी भी। हाँ बंद हुआ है, बंद हुआ है। भाई ट्रक फाइनली पानी में आ चुका है और मेरे पैरों में यहाँ पे देखो पानी भर चुका है बहुत सारा, और गाइस इंजन विंजन सब डूब गया, अपने आप बंद हुआ है ट्रक, मैंने बंद नहीं किया और धीरे धीरे चल के आया और यहाँ आके बंद हो गया। ना रेस मान रहा, ना ब्रेक मान रहा, सब कुछ मारना बंद कर दिया था और यहाँ आकर के बंद हुआ है। लेकिन अभी जो ट्रक है वो पूरा पानी के अंदर है, यहाँ तक बोनट तक। ओ इसको और आगे खींचे क्या थोड़ा सा? कैसे जाए भाई, जैसे भी बांध के खींचते आगे, पूरा डुबाता है पानी में इसको। मेरी हालत देखो गाइस, अभी ट्रक और अंदर जाएगा लेकिन जैसे भी धक्का लेके जाएगा भाई। भाई ये ट्रक एक्चुअली में मना कर रहा था कि मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, इसको तो जबरदस्ती डाला है हमने ऐसा किसी व्हीकल के साथ नहीं हुआ,
कि इतनी समस्याएं आए, इतनी प्रॉब्लम आए, लेकिन फाइनली हमने डाल दिया इसको अंदर। अभी थोड़ा और बाकी है, वो अभी डाल देते हैं गहरे पानी में। अच्छा ठीक है। राउंड टू। और भाई ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाढ़ में फंस गए हैं। ये देखो गेट खुल भी जाता है और पानी में बंद हो जाता है। हे हरि नाम जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? चला 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 भाई चला। ओ तेरी, ओ भाई, 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 फाइनली जो चीज हम चाह रहे थे वो हो गई। पीछे से बुलबुले क्यों उठ रहे हैं आपके? वो पता नहीं हवा कहीं ट्रैप्ड है, वो निकल रही है। गाइस कहीं पे हवा ट्रैप्ड है और ये जो कैमरा है ना बस जस्ट ये थोड़ा सा बचा है, अगर इस पे थोड़ा सा ऐसे आता तो पानी आ जाता गाइस। और एक कैमरा तो यहाँ डूब गया। गाइस यहाँ पे हमारा कोई एक कैमरा है, ढूंढ रहा हूँ उसको। अरे कैमरा डूब गया यार अंदर, वो तो ऐसे रखा था। अरे यार, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा गाइस, ये कैमरा भी अभी पानी में से निकल के आया बाहर। उत्तरी गाइस हम लोग एक ट्रक के अंदर हैं। ये ट्रक का स्टीयरिंग है जो कि पूरा पानी के अंदर है। इसको पकड़ने के लिए ऐसे पकड़, हालांकि ये घूम रहा है अंदर पर दिख नहीं पाएगा आपको ज्यादा। मैं एक ट्रक में बैठा हूँ, मानोगे आप? यहाँ तक ही दिख रहा हूँ। अरे तुमको मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो मान लिया। हाथ गोप्रो को आरसी क्या, हाथ कैमरा को आरसी क्या भाई सामने। देखो दिखाता हूँ गाइस, मैं असली हूँ, असली अमित तुम्हें। देखो ये मेरा जूता है गाइस, ये मेरा जूता निकला है, मेरी टांग निकली, बाकी अभी भी मैं पूरा पानी के अंदर हूँ इस टांग और जूते के अलावा। मेरा एक पैर इंजन पे है, इंजन पे मेरा। गाइस अब एकदम शांति हो चुकी है और एक बार फील करो इस शांति को, फील करो बुलबुलों की आवाज को, फील करो कहाँ से बुलबुले आ रहे हैं ये पानी के, मतलब देखो यहाँ निकल रहे हैं कहीं से। और अब मैं बाहर जाकर के देखने वाला हूँ कि क्या माहौल है। ये गेट ऐसा दिखता है जो कि पूरा खुलता था, देखते हैं कि ये खुलता है कि नहीं। पैर से धक्का मारता हूँ इसको, खुल गया भाई गेट खुल गया। उत्तरी ट्रक के शीशे भी डूब गए गाइस, ट्रक के शीशे डूब गए हैं। सीरियसली गाइस दिस इज रियली इनसेन गाइस। ये एक ट्रक है जो कि यहाँ तक दिख रहा है, ये ट्रक की छत है क्योंकि बाकी पूरा ट्रक इस पानी के अंदर है भाई। अंदर डर लगता है गाइस, एक ही मौका मिलेगा। हाँ, कहीं तू आ जाए। भाई ये ट्रक जो है इसने बहुत ज्यादा मेहनत करवाई हमसे पानी में जाने के लिए, लेकिन फाइनली जो ट्रक है दैट इज इनसाइड द वाटर। और अभी जो पानी है वो ट्रक के अंदर है या ट्रक पानी के अंदर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हालत ही ऐसी है। भाई थोड़ा रिस्क लेके दिखा रहा हूँ, देखो ट्रॉली के अंदर भी जो है पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, उधर ज्यादा भरा है इधर कम भरा है। यहाँ पे मैं आपको पानी की गहराई दिखाता हूँ एक बार। वैसे तो आप लोग इसी बात से समझ जाओ कि ये ट्रक का जो शीशा है ना ये ही पानी को टच कर रहा है, देखो यहाँ पे। और अभी मैं आ चुका हूँ भाई इस ट्रक के सामने। हमने सोचा ऐसा था कि इसको पानी में डालेंगे फिर इसकी हालत देखेंगे निकाल के, लेकिन अब मुझे गाइस ये चीज पॉसिबल लग नहीं रही, तो इसीलिए आपसे मिलते हैं गाइस कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है अगला दिन और अब जो ट्रक की हालत है वो है आप लोगों के सामने। गाइस पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया क्योंकि जो मिट्टी है वो भीग गई और इसमें गिर गई, और हमने ये तो नहीं सोचा था कि ये हाल होने वाला है। और अब ट्रक जो है वो एक तरीके से गारे में फंस चुका है और इसको निकालने के लिए गाइस क्रेन आ चुकी है जो कि वहां पे खड़ी है। भाई पूरी की पूरी जो लाव है जो बेल है वो बन चुकी है, खींचो गाइस ट्रक निकल रहा है। हाँ
हाँ तो भाई साहब जो ट्रक है वो फाइनली पानी से निकल करके बाहर आ चुका है भाई। बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा वजन इसके अंदर है और इसीलिए इतना मुश्किल हुआ इसको निकालने में। हर जगह देखो काला पानी गिर रहा है, पता नहीं इंजन में से गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, देखो ये गिर रहा है। और इस चीज़ की तो मुझे उम्मीद लग नहीं रही है कि ये किसी भी तरीके से गाइस अब चालू होने वाला है, क्योंकि चलते चलते ट्रक के अंदर पानी घुसा होगा, हर चीज़ में पानी घुस गया होगा, तो ये तो चलने वाला तो है नहीं। और वैसे भी इसकी हालत है नहीं चलने की। ये उखड़ गया इधर से, ये देखो पूरा अंदर से काला पीला हो गया, ये सारा ऑयल वॉयल सब निकल निकल गया और हर जगह मिट्टी भी भरी हुई है, क्योंकि ये पूरी रात के लिए रह गया ना, इसलिए मिट्टी भर गई भाई हर जगह। देखो क्या हालत हो गई है। तो भाई कंक्लूजन ये है कि जब एक ट्रक को डाला जाता है पानी के अंदर चलते हुए ट्रक को, तो गाइस कुछ ऐसा होता है जो कि यहाँ पर हुआ है। जो ट्रक है वो काफ़ी दूरी तक सर्वाइव कर पाता है, जैसा कि पिछले केसेस में नहीं हुआ था। जैसे हमारी जो गाड़ी थी वो थोड़ी दूर जाके बंद हो गई थी, हमने जब बस को डाला वो भी थोड़ी दूर जाके बंद हो गई थी, लेकिन जो ट्रक है गाइस वो काफ़ी अंदर तक चला गया था, ऑलमोस्ट पूरा ही अंदर चला गया था और बंद नहीं हुआ था। जब एकदम गहराई में चला गया तब बंद हो गया। मैं तो ये सोच रहा था इसको एयर मिल कहां से रही है, इसको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है इंजन को चलने के लिए, लेकिन ये चल रहा था गाइस। गाइस साइलेंसर की हालत देखो कैसे लटका हुआ है, और भाई नीचे से ये पूरा देखो पानी टपक रहा है चारों तरफ से, खतरनाक वाली हालत खराब हो गई है भाई इसकी। तो भाई एक चीज दिखाऊं, ये जो हवा महल है ना गाइस, ये जल महल बन गया क्योंकि पानी में डूबा हुआ था। ये देखो गाइस ये है अंदर की हालत, और हर जगह भाई ये मिट्टी झाग वाग ये सब भरा हुआ है। और सोचो गाइस ये जो ट्रक है ये ट्रक चलता था कल तक, और आज इसकी हालत क्या हो गई है आप लोग खुद ही देख सकते हो भाई। यहाँ तक पानी आया था और जहाँ जहाँ पानी आया था वहाँ पे सब झाग वाग, ये सीटें तैर वैर गई। इसी सीट कहाँ गई भाई, पता नहीं ये सीट कहाँ गई। अगर इस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन लाइक होते हैं तो अगली बार पानी में जाएगा गाइस एक हेलीकॉप्टर असली वाला। बूम, 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 बूम। 1 मिलियन का टारगेट है गाइस, अब तो बनता है भाई। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा गाइस इस वीडियो के अंदर। आप लोगों के कहने पे किया था गाइस, अब आप लोग भी हमारे कहने पे प्लीज वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो में गाइस इतना सारा जो नुकसान होता है वो सारा हमें ही भुगतना पड़ता है, तो उसके रूप में गाइस अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए प्लीज लाइक करना मत भूलना वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।